आज सब्जी नहीं बनाई, दाल बनाई थी, चावल बनाई थी, इमली राइस बनाई थी। रोटी नहीं, कल साड़ी ये है। हाँ, कौन सा कलर? रेड कलर। मैं आई थी ग्रीन टी बनाने। हाँ। चलो थोड़ी देर बाद बना लूंगी, पानी पी लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लाई, भून रही हूँ और एकदम यूपी स्टाइल में बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के फिर सिंगदाना फ्राई करके उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची, जीरा, नमक और थोड़ा लाई डाल के उसको कुरकुरा कर रही हूँ। तो वही मैं चख रही थी कि लाई कुरकुरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हो गया था, तो इसलिए अब मैं निकाल रही हूँ इसमें और निकाल को के लेके जा रही हूँ पतिदेव को देने। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मिर्ची, प्याज, टमाटर कट करके रखा था वो डाल दिया, तो एकदम मस्त वाला रेडी हो गया बन के स्नैक्स। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए स्नैक्स। ये स्नैक्स काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी हेल्दी भी होता है, इसको आप लोग डाइटिंग में भी खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ऑयल है वो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, राई का या फिर कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने तो राई का ही यूज़ किया हुआ है। सो गाइस, इस समय शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ज़ोरों की हुई, अभी तो स्लो ही हो रही है, बट मुझे जाना था आज देने के लिए। ब्लाउज सूट मैंने रखा हुआ है बहुत दिन से, तो मैं सोच रही हूँ दे दूँ सिलने के लिए, तो वही सिलने के लिए देने जा रही हूँ। और बारिश हो रही है बट क्या करूँ, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, फेस्टिवल सब आ रहे हैं तो मुझे सूट भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, तो इसलिए निकल पड़ी हूँ बारिश में ही। ठीक है, चलिए बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, इस समय रात के 11 बज रहे हैं और मुझे याद आया कि मैंने भगवान जी का जो बिछाने वाला है, इस समय रात के 11 बज रहे हैं जो और मुझे याद हुआ कि दुपट्टा वगैरह है, चुनरी वगैरह, वो सब मैंने नहीं धोया है, तो मैं इस चीज को धो के रख देती हूँ क्योंकि अभी किचन भी पोछना बचा है, तो पहले इसको धो देती हूँ उसके बाद पोछेंगे किचन, क्योंकि किचन भी काफ़ी गंदा हो गया है। सुबह उठूंगी तो फिर मन नहीं करेगा कुछ भी बनाने का, किचन साफ रहता है तो मन करता है कि कुछ ना कुछ बना लो बच्चों के लिए। तो देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ, प्लानिंग तो नहीं करी हूँ लेकिन सोच रही हूँ सब्जी और रोटी बना दूँगी। एंड यहाँ सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो साफ करूं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। शाम को ना किचन ऐसे ही पूरा फैल जाता है। सॉफ्ट है, बस इस बार स्पॉन्जी भी बना है।
क्या छूने आया है? कुछ नहीं हुए मम्मी। चारों का कल है, क्या है? पार्टी। पार्टी है तो उसी की तैयारी हुई है। सब बच्चे कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो हमारे टीम के वही जो भी हो उनके बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ सब लोग कुछ ना कुछ ला रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके जा रहा है केक। ये लेके जा रहे हैं? मैं बनाई हूँ। तो बनाई है तभी तो लेके जा रहा है। पागल हुआ वाली बात करती हो। मेरा ये भी हो गया है। एक बार पानी से और धोऊंगी और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस समय रात के 11 बज रहे हैं। आजकल थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अभी खाना नहीं खाए हैं तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो खाना खा ले। उसके बाद फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। सो गाइज, मैंने भगवान जी का जो भी था उसको मैंने साफ़ कर दिया। अब इसके बाद आ गई हूँ किचन क्लीन करने इधर। और सबसे पहले सामान वगैरह जो बिखरा पड़ा है उसको मैं समेटूंगी। उसके बाद में फिर पोछूंगी किचन। और थोड़ा जो अनसरी सामान रखा हुआ है ना उसको भी हटाऊंगी बढ़ाऊंगी। अननेसरीज बहुत ज़्यादा सामान पड़े हुए हैं। जो खाली है वो भी यहीं पे रखा है। फिर ये नहीं कि बेसिन में डाल दूँ आर्या को। आर्या ने नहीं डाला, वो सब ऐसे ही रखी है। जो भी बनाई है नाश्ता पानी अपने लिए, नूडल्स वगैरह भी बनाई थी तो वैसे ही सब पड़ा है। तो उसको सबको मैं हटा देती हूँ और जो भी खाना है उसको एक साइड लगा के फिर अच्छे से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो यही सब है। और देखिए यहाँ पे पूरा गैस तो मैंने साफ़ कर दिया है, बट थोड़ा बहुत अभी और भी बचा है क्लीन करने का, वो सभी मैं कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों ना, हाँ गैस के नीचे पोछना ना मैं भूल ही जाती हूँ। और गैस के नीचे साफ़ रहना चाहिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो रहा है, आप लोग बने रहिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यही है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा देना है ताकि मेरे वीडियो जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।